News 18, India. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश के बाद हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया और हालात संभालने के लिए पुलिस को कई बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आगे की वार्ता से इनकार कर दिया और 2 दिन के लिए दिल्ली कूच रोकने का ऐलान कर दिया। कई दौर की बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर बात बन गई और समझौते के तहत कांग्रेस यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। और नशे के कारोबारियों पर नकेल कसते हुए पुणे, सांगली और दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसमें 3,500 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हमला करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने उन पर गोलियां तक चलवा दी। सरवन सिंह पंडेर के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से 6 प्रदर्शनकारी लापता हैं। इसी वजह से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर सरकार पर भड़क गए। खबर यह भी है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि उनकी तबीयत शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस की चपेट में आने से बिगड़ी। उन्हें आंखों में जलन और बुखार होने के बाद फौरन पंजाब के पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, अब क्या होगा? देखिए, 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को रोक दिया गया है। डल्लेवाल, जो कि पहले से ही कैंसर के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिली है। सरवन सिंह पंडेर ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको बातचीत के लिए 5वें दौर की बैठक के लिए एक निमंत्रण भेजा ट्वीट के जरिए। पंडेर ये दावा कर रहे हैं कि वो ट्वीट खुद किसान नेताओं ने लिखकर दिया था और किसान नेताओं ने ये भी कहा था कि आप उसमें ये कहिएगा कि MSP गारंटी कानून पर बात करेंगे, तब हम बैठक के लिए आएंगे। लेकिन कृषि मंत्री ने सिर्फ MSP का जिक्र किया और ये आरोप लगा रहे हैं। पंडेर कह रहे हैं कि अब सरकार बातचीत के लिए दोबारा हमारे पास आएगी तो हम पहले उनसे बैठक का एजेंडा मांगेंगे, तब हम बैठक करेंगे। और आज शंभू बॉर्डर के अलावा दूसरे बॉर्डर पर जो एक तरीके से हिंसा हुई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक किसान की मौत भी हुई है, इसकी पुष्टि पंजाब सरकार भी कर रही है, तो इन सभी घटनाओं को लेकर आपस में बातचीत करेंगे, 2 दिन का विमर्श करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन का क्या करना है। 2 दिन तक शंभू बॉर्डर पर शांति रहेगी। किशोर, शुक्रिया मानव आपका। उधर किसान आंदोलन के 9वें दिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने जैसे ही हरियाणा की तरफ कूच किया, पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर बिना देरी किए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए और हरियाणा पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। वहां दागे गए आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच किसी बम की तरह फटते नजर आए। जमीन से टकराते ही वहां न सिर्फ बेहिसाब धुआं उठा बल्कि आंसू गैस के गोलों के फटने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। पुलिस के इस एक्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई। किसानों और पुलिस के बीच के इस टकराव की वजह से शंभू बॉर्डर 2 देशों के बीच मौजूद किसी सरहद की तरह दिखाई दिया, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालात तब बेकाबू हो गए जब किसानों का जत्था बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद भी वहां कुछ प्रदर्शनकारी खड़े रहे और इस दौरान उनके आसपास आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते रहे और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर उस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। वहां आसमान से पुलिस के दागे गए आंसू गैस के गोले बम की तरह गिरते रहे और उनसे बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोहराम मच गया। और इस भयानक मंजर को देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के दर्जनों गोले दाग दिए। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आसमान से एक के बाद एक कई गोले गिरते दिखे। बम की तरह फटते इन गोलों के बीच कई प्रदर्शनकारी किसान फंस गए। जान बचाने के लिए उन लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर इन खतरनाक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये देखिए,
ये देखिए ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है। हम आगे आके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शन कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। तभी एक आदमी के पास आंसू गैस का गोला गिरा और उसकी वजह से आसपास मौजूद लोग कांप गए। हालांकि वो आदमी वहां से निकल गया, लेकिन आंसू गैस के दर्जनों गोले गिरने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो एक बार फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ गए। और इस बार प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पंजाब पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले गिराए। पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि मेरे दोनों तरफ वो रास्ता है जो हरियाणा की सीमा की ओर जाता है पंजाब से। फिलहाल यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग चाहकर भी वहां से नहीं निकल पाए। जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आए 12,000 से ज्यादा किसान डटे रहे। इसी वजह से शंभू बॉर्डर प्रदर्शन कर रहे किसानों से खचाखच भरा दिखाई दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। जमीन पर किसानों का जत्था हरियाणा में दाखिल होने के लिए उतावला दिखा, जबकि आसमान से ड्रोन की मदद से पुलिस की टीम ने उन पर नजर बनाए रखी, ताकि प्रदर्शनकारी किसानों के किसी भी पैंतरे का वक्त रहते जवाब दिया जा सके। इसी बीच कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुट गए और उन्हें आगे बढ़ता देख हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर उन पर एक्शन शुरू कर दिया। हरियाणा की सीमा में किसानों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाहाकार मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। चंद सेकंड के अंदर ही किसानों का पूरा जत्था तितर बितर हो गया। पुलिस के इस एक्शन से पहले कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर पुलिस बैरिकेड की तरफ बढ़ते नजर आए। किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग उनके साथ आगे बढ़ते दिखे। किसान नेताओं को आंसू गैस के गोलों से बचाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी शील्ड भी पकड़े नजर आए, लेकिन जैसे ही किसानों का जत्था आगे की तरफ बढ़ा, हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। आंसू गैस के कुछ गोले तो हवा में ही जोरदार आवाज के साथ फटते दिखाई दिए। हर तरफ धुआं फैल गया, इसकी वजह से न चाहते हुए भी किसानों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने दिल्ली कूच का अपना इरादा नहीं छोड़ा। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई, और उसी के तहत किसानों ने वहां बोरियों में भरकर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया, ताकि रेत की बोरियों से दीवार खड़ी कर पुलिस की तरफ से दागे जा रहे आंसू गैस के गोलों और रबर की गोलियों को रोका जा सके। क्योंकि 13 फरवरी से आंदोलन के शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस बेहिसाब आंसू गैस के गोले दागती रही। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के इस एक्शन की काट निकाल ली। यहाँ पर एक तरीके से जो रेत की बोरियां लाई थी उसका आड़ बनाने के लिए, ओट बनाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और किसानों ने आंसू गैस के गोलों को बेअसर करने के लिए गीली बोरियां भी तैयार रखी, ताकि जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरे उन पर गीली बोरियां डालकर उनका असर कम किया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी किसान आसमान से गिरते आंसू गैस के गोलों पर बोरियां डालकर वहां से भागते दिखाई दिए। मतलब शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये साफ कर दिया कि पंजाब से आए प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी सूरत में हरियाणा की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा पुलिस ने घग्गर नदी पर बने पुल पर खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें भी तैनात कर दी, क्योंकि एक रोज पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड हटाने के लिए वहां ताकतवर मशीनें खड़ी कर दी थी। उन मशीनों में पोकलेन मशीन भी शामिल रही, जो जमीन का सीना चीर देने की ताकत रखती है। बताया गया कि किसानों ने इन ताकतवर मशीनों की मदद से पुलिस के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाया था। इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को जवाब देने के लिए शंभू बॉर्डर पर खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां क्रेन तक तैनात कर दी। हरियाणा पुलिस ने भी वहां पर आप देखेंगे तो मैं एक पूरे प्रोक्लेन मशीन को वहां पर देख पा रहा हूं, उसके पीछे एक जेसीबी खड़ी हुई है और दूसरे पुल के ऊपर भी कुछ जेसीबी मशीन्स मैं देख पा रहा हूं।
मतलब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने वहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की। वहां कंक्रीट के बैरिकेड, कंटेनर और वाटर कैनन के साथ सड़क पर कीलें तक ठोक दी गई। कंटीले तारों से घग्गर नदी पर बने पुल को सील कर दिया गया। और तो और, प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के ड्रोन को जमीन पर धराशायी करने के लिए वहां पतंगें उड़ाई, ताकि पतंगों के मांझे में फंसाकर किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे पुलिस के इस अचूक हथियार को बर्बाद किया जा सके। क्योंकि पिछले 9 दिन से किसान आंदोलन के लिए पुलिस के ये ड्रोन सबसे बड़ी परेशानी बन गए। इनकी मदद से पुलिस न सिर्फ किसानों पर नजर रखती दिखी, बल्कि आंसू गैस के गोले गिराकर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार पुलिस ने ड्रोन की मदद से आसमान से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों की बरसात की। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों ने हवा में उड़ते इन ड्रोन को जमीन पर गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पतंगें उड़ानी शुरू कर दी, ताकि पतंगों के मांझे में फंसाकर इन्हें गिराया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में आसमान में उड़ते ड्रोन के पास एक पतंग उड़ती नजर आई। ड्रोन को मांझे में उलझाने के लिए पतंग उसके आसपास उड़ती रही, कभी वो दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ जाती नजर आई। हालांकि लाख कोशिश करने के बाद भी ड्रोन पतंग के मांझे में नहीं फंसा। इससे पहले 13 और 14 फरवरी को भी इसी तरह आंसू गैस के गोले गिराने वाले ड्रोन को गिराने के लिए किसानों ने पतंगों की मदद ली थी। लेकिन सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं बल्कि खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस के एक्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद इस बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हजारों की संख्या में मौजूद किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, और इसी वजह से खनौरी बॉर्डर पर कोहराम मच गया। क्योंकि जैसे ही प्रदर्शनकारी किसानों ने हरियाणा की सीमा में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। जहां जहां आंसू गैस के गोले गिरे वहां धुआं उठता नजर आया। कई किसान तो आंसू गैस से बचने के लिए खेतों की तरफ भाग निकले, हालांकि ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहीं डटे रहे। वहां से आई एक तस्वीर में पंजाब की तरफ खनौरी बॉर्डर पर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी दिखाई दी। खनौरी बॉर्डर हरियाणा के जींद जिले में पंजाब से लगने वाली सीमा पर मौजूद है। किसानों की कोशिश ये रही कि यहां से उनका जत्था करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन किसानों की इस प्लानिंग को देखते हुए शंभू बॉर्डर की तरह ही हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर को भी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। वहां भी कंक्रीट के बैरिकेड और सड़क पर कटीले तारों को लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया गया, ताकि किसी भी सूरत में किसानों का जत्था दिल्ली न पहुंच सके। इसी बीच MSP की मांग पर किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन भी मैदान में उतर आया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले, और मुजफ्फरनगर में तो वो एक ट्रैक्टर लेकर SSP दफ्तर के परिसर में ही घुस गए। इस ट्रैक्टर के SSP दफ्तर के परिसर में घुसने से पहले पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। पुलिस वाले गेट बंद करके खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही किसानों ने ट्रैक्टर अंदर लाने की कोशिश की, उन्होंने उसे रोका। पुलिस वालों ने पूरा दम लगाया, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार किसान नहीं रुके। आखिरकार पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा और ट्रैक्टर पर सवार किसान नारे लगाते हुए परिसर में दाखिल हो गए। मुजफ्फरनगर में ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने किया, और दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन किया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने इस रैली का ऐलान पहले ही किया था, इसलिए कई जगह पर ट्रैफिक रूट बदल दिया गया था। क्योंकि राकेश टिकैत के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर ट्रैक्टरों की लाइन लग गई। यहाँ पर लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और किसान पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क से निकले ये ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट की ओर गए। इनकी संख्या अच्छी खासी थी और दूर दूर तक केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। इन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें रैली करने से रोका गया तो वो सीधा दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की चुनौती बढ़ गई। क्योंकि एक तरफ हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने पर अड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के किसान भी सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के शामली में तो वो पूरी तैयारी से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और वहां धरना दिया। शामली में भी किसान ट्रैक्टर से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और फिर नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर रैली निकाली। वहां खुद राकेश टिकैत प्रदर्शन का हिस्सा बने और MSP के मुद्दे पर खुली चुनौती दे डाली। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो,
नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच 23 फसलों को MSP की गारंटी देने पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि बीते 10 साल में सरकार ने फसलों के MSP करीब दुगना बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 की तुलना में गेहूं और धान जैसी फसलों की कीमत में 60% से ज्यादा का इजाफा किया गया। और केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बीते 10 साल में समय समय पर किसानों के फायदे के लिए बड़े फैसले भी लिए गए। खेती किसानी पर नजर रखने और रिसर्च करने वाली संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में धान की MSP 1310 रुपए प्रति क्विंटल थी, उसे बढ़ाकर 2023-24 में 2183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, यानी करीब 67% की बढ़ोतरी। और 2013-14 में गेहूं की MSP 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन 2023-24 में इसे 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी करीब 62% का इजाफा हो गया। केंद्र सरकार 23 फसलों पर MSP तय करती है और तय कीमत पर सरकारी एजेंसियां उन फसलों को किसानों से खरीदती हैं। इसमें पेच यह है कि किसानों की पूरी पैदावार सरकार नहीं खरीदती और पैदावार का बड़ा हिस्सा किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है। लेकिन MSP की बाजार में कोई मान्यता नहीं है, इसलिए अक्सर बाजार में किसानों को MSP से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। लेकिन अगर गारंटी कानून बन गया तो बाजार में भी किसानों को MSP से कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इधर प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया और जो रास्ते बच गए वहां पर गाड़ियां रेंगती दिखी। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम बॉर्डर पर नजर आया, वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को बॉर्डर पार करने में घंटों लग गए क्योंकि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, बाइक वालों को भी रोक रोक कर चेक किया गया। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी लंबा जाम लग गया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल दिखा, वहां पुलिस की बैरिकेडिंग और कटीली तारों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि सड़क से आने जाने का रास्ता संकरा हो गया और सुबह से ही लोग जाम में फंस गए। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस को लंबे जाम की आशंका थी, इसलिए एक दिन पहले ही उसने कुछ निर्देश दिए थे और दिल्ली के ITO, DDU मार्ग और राजघाट जैसे इलाकों में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि किसानों ने सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था और इसी वजह से सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। उधर सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फबारी में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के बीच फंसे 500 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया। सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों ने उन सैलानियों की जान बचाई। दिल्ली पुलिस ने हत्या, अवैध वसूली और रेप समेत 50 आपराधिक मामलों में शामिल एक गैंगस्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बताया गया कि पुलिस ने कई किलोमीटर दूर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि उस कार में सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इसके बाद वो कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इधर जयपुर में रोजगार के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और इससे भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस की तरफ से लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। हालांकि उस बैरिकेडिंग पर पहले से ही राजस्थान पुलिस के जवान डंडों के साथ खड़े थे। पुलिस वालों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग से उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास की अगुवाई में कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की जोरदार बौछार कर दी। वहां जमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भगाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पैर में चोट लगी है यहाँ पर श्रीनिवास BV के, जो कि ऊपर अभी तक बैठे हुए हैं, बाकी उनके जो नीचे साथी हैं उन्हें पानी की बौछार से और लठों के वार से पीछे धकेल दिया गया है। पानी में भीगते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान एक बार फिर पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने बहस कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धक्के देकर पीछे की तरफ धकेल दिया। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस के लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया और वो पानी की बौछार को चीरते हुए बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। पानी की बौछार के बीच कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो अपनी शर्ट उतारकर पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया। ठंडे पानी की बौछार और लाठीचार्ज के बाद भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बीवी श्रीनिवास कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बैरिकेडिंग पर बैठे दिखाई दिए। इस जोरदार प्रदर्शन से पहले उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमले किए। ये रिमोट कंट्रोल सीएम है, इसके बक्स की बात नहीं है। प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले बीजेपी ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद उन वादों पर बीजेपी कोई बात नहीं करती। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय चलाई गई योजनाओं को जानबूझकर बंद कर दिया। इस बीच विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। कई राउंड की बातचीत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हो गया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और एक सीट चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी को दी गई। जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देके उनकी शिकस्त करेंगे। इससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें वाराणसी सीट भी शामिल थी, लेकिन समझौते के ऐलान से पहले वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया और ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। सीटों के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने भी समझौते के संकेत दे दिए थे। अंत भला तो सब भला। कांग्रेस के खाते में गई 17 सीटों में गांधी परिवार की परंपरागत सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। अमेठी सीट से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, जबकि रायबरेली सीट से सांसद सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही किसी का नाम सामने आ सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाया गया एक पोस्टर चर्चा में आ गया। उस पोस्टर में राहुल गांधी को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर पहुंची और ये पोस्टर राहुल गांधी के स्वागत में लगाए गए। इसके बाद ये चर्चा में आ गए क्योंकि पोस्टर में राहुल गांधी को कृष्ण और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। यही वजह रही कि इस पोस्टर के बारे में बात होने लगी। ये पोस्टर कानपुर की सड़कों पर इसलिए लगे क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर पहुंची और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने राहुल को कृष्ण की भूमिका में दिखाने वाला ये पोस्टर लगा दिया। पोस्टर पर श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक भी लिखा गया। कानपुर पहुंचने के बाद राहुल अपनी यात्रा 2 दिन के लिए रोकेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को यात्रा फिर से शुरू होगी और राहुल मुरादाबाद जाएंगे। इधर उत्तराखंड के रामनगर में 4 लोगों की जान लेने वाला एक बाघ पकड़ा गया। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर बाघ को पकड़ लिया। इस बाघ ने 4 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। इतना ही नहीं, इस बाघ के खौफ की वजह से उस इलाके में लोगों ने रात में घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गो तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश पर 12 से ज्यादा केस और 25,000 रुपए का इनाम है। हरियाणा के गोहाना में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बीजेपी के एक नेता के घर में घुस गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, हालांकि घर में मौजूद किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर बिहार के बाढ़ जिले में एक ऐसी वारदात हुई कि उसके बारे में जिसे भी पता चला वो खौफ से भर गया। वहां 2 बदमाशों ने एक होटल के अंदर घुसकर सरेआम एक आदमी को गोली मार दी और उसका बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद तो होटल में मौजूद लोग बिल्कुल डर गए क्योंकि वो दोनों बदमाश उस होटल के अंदर घुसे और वहाँ उस आदमी पर फायरिंग करते दिखे। गोली चलने से पहले वो आदमी भागता हुआ होटल में घुसता दिखाई दिया और उसके ठीक पीछे दौड़ते हुए वो दोनों बदमाश भी वहाँ पहुँच गए। इस बीच उनमें एक बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दिया और उसे धमकाता रहा, तभी उसके साथी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वहीं सामने पिस्तौल देखकर वो आदमी घबरा गया और अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद तो नीली शर्ट पहना बदमाश उस आदमी के पास पहुंच गया और बैग उठाने के लिए उस पर झपट पड़ा, लेकिन उस आदमी ने भी हिम्मत दिखाई और पूरी ताकत लगाकर उस बैग को छीनने की कोशिश करता दिखा। तभी उस बदमाश ने गोली चला दी। इसके बाद तो वो आदमी वहीं गिर गया और वो दोनों बैग लेकर तेजी से भाग निकले। इस वारदात को अंजाम देने के लिए वो दोनों बदमाश उस आदमी का काफी देर से पीछा कर रहे थे और उनसे बचने के लिए वो उस होटल के अंदर दाखिल हुआ तो वो बदमाश भी वहां घुस गए और उस पर गोली दाग दी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खिलाफ हुई नारेबाजी पर भड़क गए। उनके खिलाफ आरजेडी विधायकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया। उनके खिलाफ सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी हुई और इन नारों का नीतीश ने पहले नरम अंदाज में और फिर गर्म अंदाज में जवाब दिया। विधानसभा पहुंचे नीतीश जैसे ही सदन की सीढ़ियां चढ़े, पीछे से उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए।
ये नारे सुनकर भी नीतीश मुस्कुराते रहे और हाथ जोड़कर मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले आरजेडी विधायकों पर तंज कस दिया। बताया गया कि सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नारे लगाए और नीतीश ने उनके सामने ही उन पर तंज कस दिया। लेकिन सदन के अंदर हंगामा होते ही नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया, वो भड़क गए। उन्होंने आरजेडी विधायकों पर पलटवार किया और उनके खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारों का गुस्से में जवाब दिया। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। आरजेडी की नारेबाजी से नीतीश इतने भड़के कि उन्होंने चुनाव में आरजेडी के खराब प्रदर्शन का दावा कर डाला। आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा में ये सारा हंगामा स्कूलों के समय के मुद्दे पर हुआ, क्योंकि एक दिन पहले ही नीतीश ने बिहार में स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने का ऐलान किया था। उधर यूपी के आगरा में जहरीली गैस लीक होने से 2 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जहरीली गैस लीक होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन दोनों मजदूरों की मौत चांदी की पॉलिश करने वाले एक प्लांट में काम करने के दौरान हुई। यूरोप के देश ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा समेत कई मुद्दों पर समझौते हुए। इतना ही नहीं, ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पीएम की तारीफ करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका लंबित है, इसलिए वो 2 मार्च के बाद इस पर सुनवाई करेगी। एनसीपी विधायक अयोग्यता मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शरद पवार गुट को नोटिस भेजकर 11 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया। अजीत पवार गुट ने हाईकोर्ट में शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी। इस बीच गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने शराब तस्कर के एक पाताल लोक का पता लगा लिया। पुलिस ने एक घर में छापेमारी करके 15 लाख की शराब बरामद कर ली। गुजरात में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन शराब तस्कर ने अपने घर में बने एक तहखाने में 15,000 बोतल शराब छिपाकर रखी थी। और जब पुलिस ने उस तहखाने का दरवाजा खोला तो सभी दंग रह गए, क्योंकि शराब तस्कर ने अपने इस पाताल लोक में जाने के लिए हैरान करने वाला जुगाड़ लगा रखा था। महेश गोहिल उर्फ भूरियो नाम के शराब तस्कर ने तहखाने में जाने के लिए उस कमरे के फर्श के नीचे रास्ता बनाया था। उसने फर्श में बने छोटे से दरवाजे को हटाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन लगा रखी थी। रेड के दौरान बिजली का कनेक्शन देकर बटन दबाते ही कमरे के फर्श की टाइलें खुद ब खुद हटती दिखाई दी। फर्श की टाइलें हटते ही वहां तहखाने में जाने का रास्ता खुल गया और ये सब देखकर पुलिस वाले भौचक्के रह गए। हाइड्रोलिक का नोजल जो होता है उसका वन पार्ट वहीं पे रहता था और दूसरा पार्ट जो हाइड्रोलिक से कनेक्टेड था। शराब तस्कर ने उस कमरे के नीचे बने तहखाने में बड़ी बड़ी पेटियों में शराब की बोतलें छिपाकर रखी थी। वहां रखी शराब की बोतलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गिनती करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। पुलिस ने बताया कि 350 पेटियों में रखी करीब 15 लाख की कीमत की शराब इस तहखाने से बरामद की गई। इधर राजस्थान के अलवर में अवैध रूप से चलाई जा रही एक बीफ मंडी की खबर ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। आरोप लगा कि वहां एक सुनसान इलाके में कुछ लोग बीफ बेचने में जुटे थे। हालांकि जैसे ही इस मंडी की खबर मिली, पुलिस ने वहां एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और एक दिन पहले जब पुलिस ने वहां दबिश दी तो सारा खेल खुल गया। इस ऑपरेशन के लिए जयपुर के आईजी अपने साथ कई पुलिस वाले और खुदाई करने वाली मशीनें लेकर पहुंचे। जैसे ही उन मशीनों ने रेतीली जमीन का सीना चीरा, वहां से कई सबूत बाहर निकल आए। वहां जमीन में जानवरों के सिर, सींग और कंकाल दबे मिले। जो घर थे वो बुलडोजर से तोड़े गए। जहां देखेंगे वहां पर आपको यहां पर गायों के कंकाल नजर आएंगे। पुलिस के मुताबिक वहां रेत के कई नए टीले बने नजर आए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि इन टीलों के नीचे कई अवशेष हो सकते हैं और इसी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी ली। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब उस बीहड़ के बीच में लहलहाती फसल नजर आई। इसके बाद जब कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उस खेत के किनारे से एक गाय और एक भैंस भी बरामद की गई और जैसे ही वहां से गाय और भैंस मिली, पुलिस का शक और गहरा गया और फिर तो पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक वहां कुछ लोगों ने हाईवे के पास बीफ बेचने का पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ था और उस हाईवे के पास ही उन्होंने अवैध रूप से घर भी बनाए हुए थे। और आरोपियों की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने उन घरों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाए थे और अवैध रूप से वहां खेती भी कर रहे थे।
इसलिए उनके घरों को तोड़ने के साथ ही उन खेतों में लगी फसल को भी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। अब वहां पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, पहले बुलडोजर चले, आप देखिए यहां खेतों के अंदर फसलें तबाह की जा रही है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने आरोपियों की तलाश में इन घरों में दबिश भी दी, लेकिन वहां एक भी आरोपी नहीं मिला। उन घरों में सिर्फ महिलाएं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और आखिरकार अवैध बीफ की मंडी चलाने वाले कुछ आरोपियों को धर दबोचा। 5 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी की है। दावा किया गया कि बीफ की ये मंडी अवैध रूप से कई साल से चलाई जा रही थी, लेकिन इस खेल से पर्दा तब उड़ गया जब सोशल मीडिया पर इस बीफ मंडी के कुछ वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनमें एक वीडियो में एक आदमी जमीन पर बैठा मांस बेचता नजर आया। आरोप लगाया गया कि ये बीफ था और इसी के बाद इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलराम यादव ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस के कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे खेल को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए चलाया जा रहा था, मतलब बीफ का ऑर्डर ऑनलाइन दिया जाता था और फिर मोटरसाइकिलों के जरिए उसकी डिलीवरी की जाती थी, और इस पूरे कारोबार को हाईवे के किनारे चलाया जाता था ताकि जैसे ही पुलिस की आहट हो तुरंत सारा सामान समेटकर वहां से फरार हुआ जा सके। माना जा रहा है कि इसी कोशिश की वजह से उन आरोपियों ने गाय भैंसों के अवशेषों को रेत के नीचे दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस रेत खोदकर वहां तलाशी ले लेगी। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन लोगों के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हो गया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायकों को स्पीकर के पास जाने को कह दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों को स्पीकर से इस मुद्दे पर मिलने की सलाह दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर ये मामला इसके बाद भी नहीं सुलझा तो वो दोपहर को इस पर सुनवाई करेगी। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम भेजने की घोषणा कर दी। आयोग ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP से इस मुद्दे पर 4 हफ्तों में रिपोर्ट भी मांगी। संदेश खाली पर चल रहे सियासी संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार वहां जांच के लिए पहुंचे। संदेश खाली में कई आदिवासी महिलाओं ने TMC नेता शाहजहां शेख समेत कई लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद से ही वहां बवाल मचा हुआ। लंबे वक्त तक रेडियो की आवाज रहे अमीन सायानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अमीन सायानी रेडियो पर गीतमाला शो से देश भर में मशहूर हो गए थे। ये शो लंबे वक्त तक प्रसारित हुआ था। इस बीच गुजरात के भरूच में हुए एक हादसे का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वहां तेज रफ्तार में एक गाड़ी आई और सड़क से गुजर रही दूसरी कार को टक्कर मारती हुई पलट गई, जिससे वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि लाल रंग की वो गाड़ी पूरी स्पीड से सड़क पर दौड़ती नजर आई और कुछ ही देर में सामने से गुजर रही दूसरी कार को टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो गाड़ी अपनी बाईं ओर पलट गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी आवाज ने लोगों को खौफ से भर दिया और तेज आवाज सुनकर लोग उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इस हादसे से पहले नीले रंग की दूसरी कार सड़क पर अपने बाईं ओर मुड़ रही थी, तभी वो गाड़ी अचानक वहां आई और जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गई। वहीं टक्कर की वजह से दूसरी कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ती थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि उस गाड़ी में सवार आदमी घायल हो गया। उधर एक रोज पहले महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किए गए करोड़ों के ड्रग्स के मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो पूरे देश में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस रैकेट के तार दिल्ली से भी जुड़ गए। पुलिस ने पुणे और दिल्ली से करीब 3,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। इस काले कारोबार का एक सिरा एक दिन पहले पुणे पुलिस के हाथ लगा और फिर पुलिस ने पुणे की एक फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक वहां नमक के पैकेटों से भरे कई ड्रम मिले, लेकिन जब तलाशी ली गई तो इन पैकेटों में नमक की जगह ड्रग्स मिले और वो भी करीब 1,000 किलो। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स के इस रैकेट की कुंडली खंगालनी शुरू की। इसके लिए सबसे पहले पुणे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन तस्करों ने MD नाम के ड्रग्स का कोडवर्ड न्यू पुणे जॉब रखा था, मतलब वो एक दूसरे से इन ड्रग्स के बारे में बात करने के लिए इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग ही देश के कई शहरों में रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स पहुंचाते थे और इसी वजह से पिछले साल से ही महाराष्ट्र पुलिस के निशाने पर थे। और जब पुलिस ने पुणे में एक दिन पहले इनके ठिकाने पर दबिश दी तो वहां से करीब 1,000 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब ड्रग्स के इस गिरोह के तार दिल्ली से भी जुड़ गए, मतलब ये तस्कर न सिर्फ पुणे बल्कि दिल्ली में भी ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। इसी वजह से आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुणे पुलिस ने दिल्ली में भी छापेमारी शुरू कर दी और जब दिल्ली में मौजूद ड्रग्स के इस खेल का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए।
क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन तस्करों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुणे से डेढ़ गुना ज्यादा खेप जुटा रखी थी। पुणे पुलिस के मुताबिक जब दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में छापा मारा गया तो वहां से करीब 1500 किलो ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इतनी भारी मात्रा में जुटाए गए इन ड्रग्स को छिपाने के लिए तस्करों ने एक कमरा किराए पर ले रखा था। तकरीबन 272 किलोग्राम से ज्यादा जो ड्रग्स थी वो इस जगह पर बरामद की गई थी। इस मामले में पुणे से 3 और दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस का दावा तो ये भी है कि इस गिरोह ने न सिर्फ महाराष्ट्र या दिल्ली बल्कि लंदन तक ड्रग्स पहुंचाए। आशंका जताई गई कि इस गिरोह के तार और भी कई शहरों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए ड्रग्स के इस काले कारोबार की तह तक जाने के लिए पुणे पुलिस की कुल 15 टीमें लगा दी गईं। और नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का मिशन केवल पुणे और दिल्ली तक ही नहीं सिमटा, बल्कि महाराष्ट्र के सांगली में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सांगली में पुणे पुलिस ने एक ऐसे घर में छापेमारी की जिसे ड्रग्स रखने के गोदाम में बदल दिया गया था, और उस घर पर छापेमारी के बाद पुलिस को ड्रग्स की बड़ी खेप मिल गई। छापेमारी की तस्वीरों में एक साथ रखे हुए बहुत सारे नमक के पैकेट दिखे, लेकिन उन पैकेटों में नमक नहीं बल्कि ड्रग्स पैक किए गए थे। इन ड्रग्स की कुछ बड़ी बोरियां भी पुणे पुलिस ने बरामद की। इतना ही नहीं, एक लैपटॉप भी मिला जिससे कई अहम सबूत मिलने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक कुल 140 किलो ड्रग्स की बरामदगी अकेले सांगली से हुई, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 300 करोड़ आंकी गई। इसके साथ ही पुलिस ने ड्रग्स के खेल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों को ताबे में लिया है और उनके पास इंक्वायरी चालू है। पुलिस की जांच के मुताबिक ये ड्रग्स छोटे दलालों के जरिए बेचे जाते थे। मुंबई ही नहीं, देश के कई महानगरों में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी इन ड्रग्स को पहुंचाया जाता था। अब पुलिस की कोशिश ड्रग्स के सौदागरों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की है। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण रेलवे स्टेशन पर विस्फोट के लिए इस्तेमाल होने वाले 54 डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया। इन्हें खोजी कुत्ते की मदद से बरामद किया गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को 14 गाड़ियों के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले उम्मीदवारों को सिर्फ 5 गाड़ियां ही इस्तेमाल करने की इजाजत थी। देश के वरिष्ठ वकीलों में शुमार फली सैम नरिमन का निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फली सैम नरिमन को संवैधानिक कानून के क्षेत्र में वकीलों का भीष्म पितामह माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। उधर कोलकाता में संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। कोलकाता में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में मशाल जुलूस निकाला और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में मशाल लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी के SC/ST मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। काफी दूर तक मार्च करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की CM ममता बनर्जी के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी नेताओं के 2 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल 23 और 24 फरवरी को संदेश खाली पहुंचेंगे। इधर गुजरात के सूरत में इतना भयंकर सड़क हादसा हो गया कि लोगों की जान हलक में आ गई। वहां एक बेकाबू ट्रक ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को कुचल डाला और कुछ देर बाद ही उनमें एक लड़के की जान चली गई, क्योंकि उस ट्रक ने सामने से गुजर रही उस मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी और उन 2 लड़कों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। वीडियो में थोड़ी देर पहले उस ट्रक का ड्राइवर उस मोटरसाइकिल के पीछे चलता दिखा, लेकिन पीछे चलने के दौरान ही वो मोटरसाइकिल के एकदम करीब पहुंच गया। इससे पहले कि वो अपनी रफ्तार को काबू में कर पाता, इतनी देर में टक्कर हो गई और वो दोनों लड़के सड़क पर गिर गए, जबकि वो मोटरसाइकिल छिटक कर बाईं ओर चली गई। इसके बाद उनमें एक लड़का सड़क से उठने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुका था। इस बीच दर्दनाक हादसे को देखकर कुछ लोग उनकी तरफ भागे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें एक लड़के की जान नहीं बचाई जा सकी। उधर अमेरिका के टेक्सास में बास्केटबॉल का मैच देखने पहुंचे कुछ दर्शक तब चौंक गए जब उस बास्केटबॉल कोर्ट में अचानक कुश्ती होने लगी। हुआ ये कि टेक्सास में हुए उस मैच के बाद जब खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाने लगे तो उनके बीच बहस हो गई और सेकंडों के अंदर बात मारपीट तक पहुंच गई। 2 खिलाड़ियों की लड़ाई कब दोनों टीमों की लड़ाई में बदल गई, किसी को हवा तक नहीं लगी। फिर तो वहां लात घूंसे चलने शुरू हो गए। This is really not good. We've got punches being thrown. This is really bad. वहां नीली जर्सी पहने टेक्सास A&M कॉमर्स के खिलाड़ियों और सफेद जर्सी में मौजूद इंकरनेट वार्ड की टीम के खिलाड़ियों में जबरदस्त मारपीट हुई। इस दौरान मैच का स्कोर बताने वाले कमेंटेटर भी लड़ाई की आंखों देखी सुनाते नजर आए। We still have guys running after people.
Someone in the crowd was hurt. कुछ देर को तो ऐसा लगा जैसे वहाँ बास्केटबॉल नहीं बल्कि कुश्ती का मुकाबला हो रहा हो, क्योंकि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपने विरोधियों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस मारपीट को रोकने आए दोनों टीमों के कोच और सुरक्षा कर्मियों को भी लात घूंसे पड़े। हालांकि काफी मेहनत के बाद उन दोनों टीमों को अलग कर दिया गया, लेकिन लड़ाई फिर भी नहीं थमी, क्योंकि उनमें कुछ खिलाड़ियों का गुस्सा उन पर इतना हावी हो गया कि वो दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से लड़ते नजर आए। बताया गया कि इस मारपीट के दौरान दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ी घायल हो गए। इसके अलावा वहां मौजूद एक दर्शक को भी चोट लगी। इस बीच रूस में देशद्रोह के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगा। मॉस्को टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला ने जंग के दौरान यूक्रेन के लिए फंड जुटाया और उस फंड का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जारी जंग में किया। इसी के बाद कसिनिया करेलिना नाम की उस महिला पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। रूस की तरफ से बाकायदा उनका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो हाथों में हथकड़ी पहने कोर्ट की तरफ बढ़ती नजर आईं। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी नजर आई। मॉस्को टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की रहने वाली कसिनिया ने जंग के दौरान यूक्रेन के लिए चंदा जुटाया और दावा है कि उन्होंने $51 मतलब भारतीय रुपयों में करीब 4000 रुपए यूक्रेन भेजे। हालांकि ये रकम बेहद कम थी, लेकिन रूस ने इसे देशद्रोह मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रूस के संविधान के मुताबिक उन्हें उम्र कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहकर एक स्पा चलाती हैं और वहीं से उन्होंने यूक्रेन को मदद भेजी। रूस की सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि कसिनिया की भेजी इस रकम का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ हुआ, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उधर यूपी में एक ट्रेन की बोगी से एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बनारस से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन की एक जनरल बोगी में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी मच गई। लड़की का शव एक बोरी में बांध कर रखा गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में एक गुलदार के रिहायशी इलाके में दिखाई देने के बाद दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम उस तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। एक विमान में सफर के दौरान सचिन तेंदुलकर के जोरदार स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में कश्मीर की यात्रा की थी, तब उन्होंने उस विमान में सफर किया था। सचिन को देखते ही विमान में बैठे लोग उनके नाम के नारे लगाने लगे थे। इधर गुजरात के वलसाड़ में केमिकल से भरे एक टैंकर में हादसे के बाद ऐसी आग लगी कि हाईवे पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि वलसाड़ के एक इलाके से गुजर रहा केमिकल से भरा वो टैंकर अचानक पलट गया और पलक झपकते ही वो आग के गोले में बदल गया। हाईवे पर केमिकल से भरा वो टैंकर ऐसे जलता दिखा मानो सड़क के बीचों बीच ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। टैंकर में केमिकल भरा होने की वजह से वहां रह कर आग की तेज लपटें उठती दिखी। इस दौरान सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया, क्योंकि आग की लपटों ने पूरे हाईवे को घेर लिया, जबकि उससे निकला काला धुआं तो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। हाईवे के एक तरफ धधकते उस टैंकर का धुआं हाईवे के दूसरी तरफ तक पहुंच गया। उसके बाद तो वहां खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आग का विकराल रूप देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। इस दौरान दमकल कर्मियों की टीम लगातार उस पर पानी की बौछार करती रही, लेकिन वो आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में उसके हाथ पांव फूल गए। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार से एक बच्ची के कुचलने के वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हादसे के वक्त वो 4 साल की बच्ची अपने पिता के साथ जाती नजर आई और तभी काले रंग की एक गाड़ी उस बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद उसके पिता ने उसे गोद में उठाया और उस गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वो तेज रफ्तार में वहां से भाग निकली। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची अपने पिता के साथ जाती दिखाई दी। इस दौरान वहां एक साथ दो गाड़ियां आ गईं। ऐसे में उन गाड़ियों को रास्ता देने के लिए वो दोनों सड़क के एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद सिल्वर रंग की गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन उस काले रंग की गाड़ी ने वहां से मुड़ते हुए उस बच्ची को टक्कर मार दी। वो गाड़ी उस बच्ची को रौंदते हुए सामने मौजूद एक दीवार से जा भिड़ी, लेकिन इसके बाद भी उस गाड़ी का ड्राइवर रुका नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया, लेकिन उसका ड्राइवर फरार हो गया। उधर यूरोप के देश ग्रीस में सैकड़ों की संख्या में किसान वहां की संसद के बाहर अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने संसद भवन की तरफ जाने वाली सड़क को भी पूरी तरह बंद कर दिया और संसद की इमारत के बाहर खड़े होकर ट्रैक्टरों के हॉर्न बजाकर विरोध जताया। ट्रैक्टरों के हॉर्न की वजह से पूरे इलाके में इतना शोर हो गया कि कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। ग्रीस की संसद के बाहर किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर एक साथ कतार में खड़े कर दिए। वहां के संसद भवन के सामने वाली सड़क तो किसानों और उनके ट्रैक्टरों से पूरी तरह पटी दिखाई दी। एक शख्स तो ट्रैक्टर की छतरी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ नजर आया।
प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखे पोस्टर लगाकर पहुंच गए। किसानों ने बताया कि सरकार दूसरे देश से सस्ता अनाज आयात कर रही है, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं। ग्रीस ही नहीं, यूरोप के कई देशों में बीते एक महीने से किसान सड़कों पर है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, स्पेन और इटली में भी किसानों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। इधर आंध्र प्रदेश की टीम के एक बल्लेबाज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। आंध्र प्रदेश टीम के बल्लेबाज वामशी कृष्णा ने कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी के एक मैच में लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने रेलवे की टीम के खिलाफ इस मैच में 64 गेंदों में 110 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत और चीन के बीच 21वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को सुलझाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने 52 लाख रुपए की अवैध दवाइयों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके बाद सीआईएसएफ ने उन सभी आरोपियों को कस्टम्स विभाग को सौंप दिया। कस्टम्स विभाग के मुताबिक इन दवाइयों को यूएई के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भेजने का प्लान था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाकर विरोध में रैली निकाली। और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे, उनका सामना वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों से हो गया। हाथों में झंडा लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोहे के बैरिकेड लगा रखे थे। बैरिकेड के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस वालों ने उनसे झंडे छीन लिए और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान युवा कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए और हंगामा करने लगे। पुलिस वालों ने एक प्रदर्शनकारी को उठाकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा दिया। हालांकि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता गाड़ी के करीब पहुंचने के बाद नारेबाजी करते हुए जमीन पर लेट गया। कुछ दूसरे प्रदर्शनकारी भी उसके पास बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने 50 से ज्यादा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और हंगामा शांत कराया। इस बीच हरियाणा और राजस्थान के पुलिस वालों का नाले के पानी के मुद्दे पर भिड़ने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये विवाद राजस्थान के भिवाड़ी का है। भिवाड़ी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर है और वहां के नाले का पानी बहाने के मुद्दे पर हरियाणा और राजस्थान पुलिस में बहस हो गई और नौबत ये आ गई कि हरियाणा के पुलिसकर्मी ने वहां रखी कुर्सियों को उठाकर फेंक दिया। पुलिसकर्मी इतने गुस्से में था कि उसने कुर्सियों पर लात मारनी शुरू कर दी। इसके बाद उस पुलिसकर्मी ने खुद ही बैरिकेड भी हटाए। बैरिकेड हटाने के बाद हरियाणा के उस पुलिसकर्मी ने वहां खड़ी ट्रैफिक पुलिस की बाइक की ओर रुख किया। उसका गुस्सा देखकर ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने बाइक हटा ली। इसके बाद पुलिस वाले ने दूसरा बैरिकेड भी हटा दिया। राजस्थान के भिवाड़ी में ये सारा बवाल नाले का गंदा पानी बहाने के मुद्दे पर हुआ, क्योंकि राजस्थान के भिवाड़ी में कई कारखाने हैं और उनसे निकलने वाला पानी वहां के नाले में गिरता है। हरियाणा पुलिस ने आशंका जताई कि बैरिकेड लगाकर राजस्थान की पुलिस खुदाई करेगी और ऐसा रास्ता बनाएगी जिससे नाले का पानी हरियाणा की सीमा में घुस जाएगा। और इसी बात पर हरियाणा के पुलिसकर्मी की राजस्थान के पुलिसकर्मी से बहस हो गई। हरियाणा का पुलिस वाला गुस्से में दिखा, इसलिए राजस्थान का पुलिसकर्मी बात बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद तो हरियाणा के पुलिसकर्मी ने आओ देखा ना ताओ सीमा पर रखी कुर्सियां और बैरिकेड सब हटा डाले। इस पुलिसकर्मी को शक था कि बैरिकेड की आड़ में राजस्थान पुलिस खुदाई करने का इंतजाम कर रही थी और इससे ऐसा रास्ता बन जाता कि भिवाड़ी के नाले का गंदा पानी हरियाणा में घुस जाता और हरियाणा में पानी को रोकने का इंतजाम नहीं किया गया था। इसी वजह से हरियाणा का पुलिसकर्मी भड़क गया और सीधा राजस्थान के पुलिस वाले से भिड़ गया। उधर यूरोप के देश अल्बेनिया में लोगों ने जोरदार हंगामा किया। वहां हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और भ्रष्टाचार के साथ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत के आगे पेट्रोल बम फेंक दिए। इस दौरान वहां भारी तादाद में लोग अपने हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते नजर आए, जबकि उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए घेरेबंदी की गई और बैरिकेड के पीछे बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शील्ड लेकर तैनात दिखाई दिए। इस बीच लोग शोर शराबा करते रहे और कुछ देर में वहां लोगों ने फिर पेट्रोल बम फेंक दिया। इसके बाद तो जोरदार धमाका हुआ और धमाके की तेज आवाज हर तरफ गूंज उठी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड को तोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया।
तभी एक आदमी एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में तख्ती लेकर सुरक्षा कर्मियों के आगे चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ा। इसके साथ ही भारी भीड़ ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। अल्बेनिया की राजधानी तिराना में इन प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इस बीच अमेरिका में हवा में उड़ रहे एक विमान का डायना टूट गया। अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान उड़ान के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। सैन फ्रांसिस्को से बोस्टन जा रहे इस विमान का एक डायना टूट गया, जिसके बाद उसे इमरजेंसी में डेनवर शहर में उतारा गया। उस विमान में 165 यात्री सवार थे। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। अंतरिक्ष पर रिसर्च करने वाली संस्था इसरो को गगनयान मिशन में बड़ी कामयाबी मिली। इसरो ने गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सफल टेस्टिंग की। इस मिशन के जरिए इसरो 2025 में इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन में 3 लोगों की टीम को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस उतारा जाएगा। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 271 पारियों में रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस तरह उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में 8 फरवरी को हुए सड़क हादसे के बाद रेस्क्यू का वीडियो चर्चा में आ गया। वहां एक गाड़ी की हुई टक्कर के बाद एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ उस गाड़ी में फंस गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी की नजर उस गाड़ी पर पड़ी और इसके बाद वो भागकर उस गाड़ी के पास गया। वहां हुई भयंकर टक्कर की वजह से वो मोटरसाइकिल दूर पड़ी हुई थी, जबकि उस गाड़ी में वो महिला और उसके 2 बच्चे फंसे नजर आए। ऐसे में उस पुलिसकर्मी ने सबसे पहले उस गाड़ी में फंसे एक बच्चे को बाहर निकाला। इसके बाद उसने सड़क पर चल रहे लोगों से मदद मांगी और फिर दोबारा उस महिला की मदद करने पहुंच गया। इस बार उसने उस महिला और उसकी एक नवजात बच्ची का रेस्क्यू किया, लेकिन उस बच्ची की हालत देखकर वो महिला बुरी तरह डर गई। काफी देर वो पुलिसकर्मी उस बच्ची को होश में लाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसकी माँ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो पुलिसकर्मी लगातार उस बच्ची को CPR देता रहा। इसके बाद आखिरकार उस बच्ची को होश आ गया। सड़क हादसे के बाद रेस्क्यू का ये हैरान करने वाला वीडियो 8 जनवरी का बताया गया। इधर राजस्थान के अलवर से सांड के उत्पात का हड़कंप मचा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक आवारा सांड ने 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। इस सांड को पकड़ने में प्रशासन को खूब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ही कोई इस सांड को काबू करने की कोशिश करता ये भड़क जाता। एक आदमी को तो उसने उठाकर पटक ही दिया। छोड़ा मत। राजस्थान के अलवर में सांड ने सड़कों पर खूब उत्पात मचाया। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। अपने पास से गुजरी बाइक पर तो उसने सीधा हमला कर दिया और बाइक पर बैठे लोग गिर गए। जिला प्रशासन की टीम जब इसे पकड़ने पहुंची तो ये सांड सड़क पर खड़े होकर गुर्राता नजर आया। बताया गया कि इस सांड ने 10 से ज्यादा लोगों को घायल किया और इसे पकड़ने में प्रशासन को अच्छा खासा समय लगा। उधर गुजरात के अहमदाबाद में हुए सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग खौफ से भर गए। वहां एक डंपर ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो डंपर एक चौराहे से मुड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी उसने अपने ठीक सामने चल रही उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उस वीडियो में वो मोटरसाइकिल उस डंपर के आगे चलती दिखाई दी। इस दौरान उस डंपर की स्पीड काफी कम थी। थोड़ी दूर तक वो दोनों आगे पीछे चलते रहे, लेकिन जैसे ही उस चौराहे का मोड़ आया उस डंपर के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और सामने चल रही उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। किसान आंदोलन के 9वें दिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद चंबू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने जैसे ही हरियाणा की तरफ कूच किया, पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर बिना देरी किए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए और हरियाणा पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। वहां दागे गए आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच किसी बम की तरह फटते नजर आए। जमीन से टकराते ही वहां न सिर्फ बेहिसाब धुआं उठा बल्कि आंसू गैस के गोलों के फटने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। पुलिस के इस एक्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई। किसानों और पुलिस के बीच के इस टकराव की वजह से शंभू बॉर्डर 2 देशों के बीच मौजूद किसी सरहद की तरह दिखाई दिया।
क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालात तब बेकाबू हो गए जब किसानों का जत्था बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद भी वहां कुछ प्रदर्शनकारी खड़े रहे और इस दौरान उनके आसपास आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते रहे और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर उस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। वहां आसमान से पुलिस के दागे गए आंसू गैस के गोले बम की तरह गिरते रहे और उनसे बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोहराम मच गया। और इस भयानक मंजर को देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के दर्जनों गोले दाग दिए। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आसमान से एक के बाद एक कई गोले गिरते दिखे। बम की तरह फटते इन गोलों के बीच कई प्रदर्शनकारी किसान फंस गए। जान बचाने के लिए उन लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर इन खतरनाक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शन कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। तभी एक आदमी के पास आंसू गैस का गोला गिरा और उसकी वजह से आसपास मौजूद लोग कांप गए। हालांकि वो आदमी वहां से निकल गया, लेकिन आंसू गैस के दर्जनों गोले गिरने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो एक बार फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ गए। और इस बार प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पंजाब पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले गिराए। पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि मेरे दोनों तरफ वो रास्ता है जो हरियाणा की सीमा की ओर जाता है पंजाब से। फिलहाल यहां पर लगातार आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग चाहकर भी वहां से नहीं निकल पाए। जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आए 12,000 से ज्यादा किसान डटे रहे। इसी वजह से शंभू बॉर्डर प्रदर्शन कर रहे किसानों से खचाखच भरा दिखाई दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। जमीन पर किसानों का जत्था हरियाणा में दाखिल होने के लिए उतावला दिखा, जबकि आसमान से ड्रोन की मदद से पुलिस की टीम ने उन पर नजर बनाए रखी ताकि प्रदर्शनकारी किसानों के किसी भी पैंतरे का वक्त रहते जवाब दिया जा सके। इसी बीच कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुट गए और उन्हें आगे बढ़ता देख हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर उन पर एक्शन शुरू कर दिया। हरियाणा की सीमा में किसानों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाहाकार मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। चंद सेकंड के अंदर ही किसानों का पूरा जत्था तितर बितर हो गया। पुलिस के इस एक्शन से पहले कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर पुलिस बैरिकेड की तरफ बढ़ते नजर आए। किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग उनके साथ आगे बढ़ते दिखे। किसान नेताओं को आंसू गैस के गोलों से बचाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी शील्ड भी पकड़े नजर आए, लेकिन जैसे ही किसानों का जत्था आगे की तरफ बढ़ा हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। आंसू गैस के कुछ गोले तो हवा में ही जोरदार आवाज के साथ फटते दिखाई दिए। हर तरफ धुआं फैल गया, इसकी वजह से न चाहते हुए भी किसानों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने दिल्ली कूच का अपना इरादा नहीं छोड़ा। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई और उसी के तहत किसानों ने वहां बोरियों में भरकर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया ताकि रेत की बोरियों से दीवार खड़ी कर पुलिस की तरफ से दागे जा रहे आंसू गैस के गोलों और रबर की गोलियों को रोका जा सके। क्योंकि 13 फरवरी से आंदोलन के शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस बेहिसाब आंसू गैस के गोले दागती रही। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के इस एक्शन की काट निकाल ली।
यहाँ पर एक तरीके से जो रेत की बोरियां लाई थी उसका आड़ बनाने के लिए ओट बनाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और किसानों ने आंसू गैस के गोलों को बेअसर करने के लिए गीली बोरियां भी तैयार रखी ताकि जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरे उन पर गीली बोरियां डालकर उनका असर कम किया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी किसान आसमान से गिरते आंसू गैस के गोलों पर बोरियां डालकर वहां से भागते दिखाई दिए। मतलब शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये साफ कर दिया कि पंजाब से आए प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी सूरत में हरियाणा की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा पुलिस ने घग्गर नदी पर बने पुल पर खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें भी तैनात कर दी, क्योंकि एक रोज पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड हटाने के लिए वहां ताकतवर मशीनें खड़ी कर दी थी। उन मशीनों में पोकलेन मशीन भी शामिल रही जो जमीन का सीना चीर देने की ताकत रखती है। बताया गया कि किसानों ने इन ताकतवर मशीनों की मदद से पुलिस के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाया था। इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को जवाब देने के लिए शंभू बॉर्डर पर खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां क्रेन तक तैनात कर दी। हरियाणा पुलिस ने भी वहां पर आप देखेंगे तो मैं एक पूरे प्रोक्लेन मशीन को वहां पर देख पा रहा हूं, उसके पीछे एक जेसीबी खड़ी हुई है और दूसरे पुल के ऊपर भी कुछ जेसीबी मशीन मैं देख पा रहा हूं। मतलब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर। गुजरात के अहमदाबाद में हुए सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग खौफ से भर गए। वहां एक डंपर ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो डंपर एक चौराहे से मुड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी उसने अपने ठीक सामने चल रही उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उस वीडियो में वो मोटरसाइकिल उस डंपर के आगे चलती दिखाई दी। इस दौरान उस डंपर की स्पीड काफी कम थी, थोड़ी दूर तक वो दोनों आगे पीछे चलते रहे, लेकिन जैसे ही उस चौराहे का मोड़ आया उस डंपर के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और सामने चल रही उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं बल्कि उस मोटरसाइकिल को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। वो डंपर उसे कुचलता हुआ थोड़ी दूर तक चला गया। यह हादसा देखते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने उस मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आईं उनमें वो मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर नजर आई। बताया गया कि इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दो बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस भिड़ंत का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि उस वीडियो में पुलिस और बदमाश गुत्थम गुत्था होते नजर आए। पुलिस की टीम ने दो बदमाशों को घेर कर दबोच लिया। इसके बाद जब उन बदमाशों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें जमीन पर गिराकर जकड़ लिया। इस दौरान उनमें एक बदमाश ने बंदूक निकाल ली। उसे देखकर उस इलाके में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर पुलिस और बदमाशों में भिड़ंत देखकर लोगों के होश उड़ गए। काफी देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर वहां क्या हो रहा है। कौन से चोर घूम रहे हैं यहां पे यार? वो छीन ले गन। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। बताया गया कि केरल पुलिस उन दो बदमाशों को पकड़ने के लिए अजमेर आई थी। इस दौरान जब उन बदमाशों की लोकेशन का पता चला तो पुलिस ने उन्हें बीच बाजार में घेर कर दबोच लिया। इस बीच महाराष्ट्र के बुलढाणा में मरीजों के इलाज का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। बताया गया कि एक कार्यक्रम में परोसे गए खाने को खाकर कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसके बाद उन लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के लिए उन लोगों को सड़क पर ही लिटा दिया गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर सैकड़ों लोग लेटे नजर आए और हवा में रस्सियों के सहारे ढेर सारी ग्लूकोज की बोतलें लटकी दिखाई दी। आरोप है कि वहां इसी तरह उन मरीजों का इलाज किया गया। इस दौरान उन मरीजों के साथ आए लोगों ने भी वहां डेरा डाल लिया। बताया गया कि एक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद करीब 300 लोग बीमार पड़ गए थे। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें पास के ही एक अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि उस अस्पताल में नहीं डॉक्टर थे और नहीं इतने मरीजों के इलाज के लिए बंदोबस्त था। ऐसे में उन मरीजों को उस अस्पताल के बाहर वाली सड़क पर ही लटा दिया गया और इलाज के लिए रस्सी के सहारे ग्लूकोज की बोतलें लटका दी गईं। उधर बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। बिहार के लखीसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहां एक ऑटो को सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद वो ऑटो पूरी तरह तहस नहस हो गया। इसमें अबाउट 13-14 व्यक्ति सवार थे जिसमें 8 व्यक्ति की स्पॉट डेथ हो गई है।
मध्य प्रदेश के खंडवा में तीन महिलाओं ने मिलकर एक लड़के की चप्पलों से बुरी तरह पिटाई कर दी। बताया गया कि वो तीनों महिलाएं अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रही थी। इतने में वहां से गुजर रहे उस लड़के से उन तीनों महिलाओं की बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने टर्किश विमेंस कप के अपने पहले मैच में यूरोप के देश एस्टोनिया की टीम को 4-3 से हरा दिया। ये भारतीय महिला टीम की यूरोप की किसी टीम के खिलाफ पहली जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड पर 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने मैच के आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां आग इतनी तेजी से फैली कि उस फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और काफी देर तक वो लोग अंदर ही फंसे रहे, क्योंकि भयंकर आग कुछ ही मिनटों में केमिकल फैक्ट्री में पूरी तरह फैल गई और विकराल हुई आग की लपटें तेजी से ऊपर की ओर उठती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो धधकती लपटें फैक्ट्री की छत को ही उखाड़ देंगी। कुछ देर बाद तो वहां सिर्फ आग की तेज रोशनी और काला धुआं दिखाई दिया। इस बीच फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके भी होते रहे और फैक्ट्री के बाहर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि आसपास लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ धुएं ने कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के ऊपर देखने पर ऐसा लगा जैसे आसमान में घने बादल मंडरा रहे हों। इस दौरान आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन धुएं ने दमकल कर्मियों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच हरियाणा के करनाल में हुए एक भीषण हादसे के बाद के रेस्क्यू का वीडियो सुर्खियों में आ गया। वहां एक टैंकर का बैलेंस बिगड़ने के बाद वो डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ चला गया, जहां उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और टक्कर होते ही वो टैंकर पलट गया। लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब उस टैंकर के पलटने के बाद ड्राइवर समेत 2 लोग फंस गए। इसके बाद आसपास के लोग वहां आ गए और उन दोनों को बचाने में जुट गए। तस्वीरों में वो टैंकर पलटा नजर आया और कुछ लोग उसमें फंसे लोगों को बाहर की तरफ खींचते दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी को निकाल लिया गया, जबकि उसका ड्राइवर वहीं फंसा रह गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आया तो वहां क्रेन बुलाई गई। उस क्रेन की मदद से करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि वो टैंकर करनाल की तरफ से आ रहा था। इस दौरान एक दूसरी गाड़ी ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। इसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क के दूसरी तरफ आ गया, जहां एक ट्रक से टकराने के बाद वो पलट गया। उधर चीन में जारी लगातार बर्फबारी लोगों के लिए जान का खतरा बन गई। वहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर इस कदर फिसलन बढ़ गई कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया और चलते चलते गाड़ियां फिसलती दिखाई दी। वीडियो में पीले रंग की एक गाड़ी सीधे चलते हुए अचानक फिसलती नजर आई। वो गाड़ी बीच सड़क में घूमते हुए वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। इसे देखकर दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। वहां मौजूद लोग इस हादसे से संभल ही रहे थे कि तभी वहां सफेद रंग की एक दूसरी गाड़ी आ गई और वो भी आगे जाकर उन गाड़ियों से भिड़ गई। इसके बाद तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बर्फबारी के बाद बढ़ी फिसलन से एक के बाद एक कई गाड़ियां चलते चलते बीच सड़क पर घूम गई। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि इस हादसे में उन गाड़ियों में सवार कई लोग घायल हो गए, जबकि उन गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन ये हाल चीन के सिर्फ एक प्रांत का नहीं है, वहाँ के ज्यादातर हिस्से बर्फबारी की चपेट में आ गए और इसकी वजह से वहाँ हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, क्योंकि वहाँ की सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई और उसकी वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। बताया गया कि बर्फ जमा होने की वजह से वहां के 200 से ज्यादा रास्ते बंद कर दिए गए। इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। हालांकि वहां युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम किया गया, लेकिन इसके बाद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ ने अपना कब्जा ही जमा लिया। सड़कों के अलावा वहां की ट्रेन सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हो गई। रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही थीं। ऐसे में वहां के ज्यादातर रेलवे स्टेशन लोगों से भरे नजर आए। लेकिन चीन के लोगों की मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक वहां 26 फरवरी तक भारी बर्फबारी का कहर जारी रहेगा। इधर दिल्ली के द्वारका में एक इमारत में भीषण आग लग गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से दहशत मच गई। इसके बाद तीसरी मंजिल से एक महिला और उसकी बेटी ने छलांग लगा दी, लेकिन इमारत के नीचे मौजूद लोगों ने कंबल की मदद से उन दोनों को बचा लिया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने ऐलान कर दिया कि वो मिलकर सरकार बनाएंगे। नई गठबंधन सरकार के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया उसके मुताबिक शहबाज शरीफ फिर पाकिस्तान के PM बनेंगे तो बिलावल भुट्टो की पार्टी से राष्ट्रपति बनाया जाएगा।
रूस में पुतिन के कट्टर विरोधी बताए जाने वाले विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की मौत पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के भी संकेत दे दिए। अमेरिका यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। I told you we'd be announcing sanctions on Russia. We'll have a major package announced on Friday. अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि रूस अगले कुछ महीनों में अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन हथियारों के जरिए रूस अपने दुश्मनों की सेना के इस्तेमाल में आने वाली सैन्य सैटेलाइटों पर हमला करने की फिराक में है। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार कुछ बदमाश बिना टोल दिए वहां लगे बैरियर को तोड़कर जाने लगे। इसके बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो बदमाशों ने पिस्तौल निकाली और टोल कर्मचारियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। करीब 1.5 मिनट के सीसीटीवी वीडियो में टोल बूथ से करीब 20 मीटर आगे सफेद रंग की एक कार खड़ी नजर आई। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उस कार से उतरा और टोल बूथ की तरफ पिस्तौल तानकर तेजी से दौड़ता दिखाई दिया। इसके बाद उसी कार से एक दूसरा आदमी भी पिस्तौल के साथ उतरा और दूसरे टोल बूथ की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद काली जैकेट पहना हुआ पहला बदमाश कार की तरफ लौट गया, लेकिन दूसरा आरोपी पहले वाले टोल बूथ की तरफ पिस्तौल लहराते हुए पहुंचा और गोली चला दी। इसके बाद पहला आरोपी भी कार से उतरकर आ गया। उसने भी पिस्तौल दिखाकर टोल कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया। फायरिंग करने और धमकी देने के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। बताया गया कि दोनों आरोपी प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। इस बीच गुजरात के राजकोट में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। मामूली विवाद के बाद कुछ लड़कों ने उस लड़के पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। हमला कर रहा एक आरोपी उस लड़के के सिर को जमीन से टकराने की कोशिश करता दिखाई दिया, जबकि सफेद टी शर्ट में खड़ा दूसरा हमलावर उस पर लात से हमले करता दिखा। इस दौरान पीछे से आया एक लड़का हमलावरों को उस लड़के की पिटाई करने से रोकता दिखाई दिया, लेकिन हमलावरों ने उस लड़के को वहां बने चबूतरे से नीचे गिरा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो लड़का खड़ा हो गया और अपनी शर्ट के बटन बंद करता दिखाई दिया। इसी दौरान एक हमलावर ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। घूंसा लगते ही वो लड़का बुरी तरह घायल हो गया। 19 साल के उस लड़के की पिटाई करने के बाद चारों हमलावर मोटरसाइकिल से बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। इधर ऋषभ पंत ने जल्द मैदान में वापसी के संकेत दिए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर ली। उन्होंने आईपीएल में अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के अभ्यास मैच में हिस्सा लिया। दिसंबर 2022 में कार हादसे में घायल होने की वजह से वो लंबे वक्त तक क्रिकेट से दूर रहे। एक्टर विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट मामले में FIR दर्ज कराई। उनका आरोप है कि कोई उनके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा था। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। फिल्म एक्टर विक्रांत मेसी ने 6 साल पुराने अपने एक विवादास्पद ट्वीट के लिए माफी मांग ली। 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप के बाद हत्या के मामले पर उन्होंने राम और सीता को लेकर एक ट्वीट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया था। अमेरिका के वॉशिंगटन में पॉप गायिका मैडोना के साथ एक कॉन्सर्ट में हादसा हो गया। वो शो के दौरान एक कुर्सी से अचानक नीचे गिर गई। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और फिर से उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने परफॉर्म किया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मोटरसाइकिल सवार और पुलिस वाले के बीच ऐसी बहस हुई कि वहां मौजूद लोग भी हैरत में पड़ गए। आरोप लगा कि चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने उस मोटरसाइकिल सवार को रोका था और उससे लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी कागजात दिखाने को कहा, लेकिन ऐसा होते ही वो लड़का भड़क गया और आग बबूला हुआ। वो लड़का हाथ लगाकर एक पुलिस वाले की वर्दी पर लगे स्टार को देखता नजर आया, लेकिन उस पुलिस वाले ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और धक्का देकर उस पर चीखता चिल्लाता दिखाई दिया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान खड़े थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और उस पुलिस वाले ने भीड़ के सामने उसे धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो लड़का बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चला रहा था और चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने उसे रोका तो वो उनसे बचलूकी करने लगा। इतना ही नहीं, वीडियो में जब वो पुलिस वाला स्टार दिखाने वाली बात पर उसे फटकार लगाता दिखा तो उस लड़के ने ऐसा कुछ कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन वो पुलिस वाला भी अड़ गया और उसे बार बार डांटता रहा। इसके बाद तो हेलमेट न पहनने और जरूरी दस्तावेज न होने के आरोप में उसकी मोटरसाइकिल ही जब्त कर ली गई। इधर बिहार के सिवान में शराब तस्करों के खिलाफ एक्साइज विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। वहां शराब की 32 से ज्यादा अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के एक्साइज विभाग की टीम भी शामिल रही।
और एक्साइज विभाग की टीम के साथ पुलिस के जवानों ने शराब की 32 अवैध भट्टियों को नष्ट कर दिया। वहां प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियों में शराब बनाने के लिए कच्चा माल भरकर रखा गया था और उन थैलियों को अलग अलग भट्टियों के अंदर रखा गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और उन थैलियों में रखे गए कच्चे माल को भी बर्बाद कर दिया। शराब तस्करों ने उन भट्टियों को खेत के बीचों बीच बनाया था ताकि छिपकर आसानी से शराब बनाई जा सके। वहां कार्रवाई के दौरान 280 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब भी नष्ट कर दी गई। सभी भट्टी मालिकों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज करते हुए गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि सिवान के साथ शराब तस्करों के खिलाफ यह अभियान बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में भी चलाया गया, इसलिए इस अभियान में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के एक्साइज विभाग की टीम भी मौजूद रही। उधर गाजा पट्टी में जारी बमबारी के बीच फिलिस्तीन के एक पत्रकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि उस वीडियो में वो आसमान से गिरते बमों के बीच भागते नजर आए। ऐसा करने वाले वो अकेले पत्रकार नहीं थे, बल्कि कई दूसरे पत्रकार भी बमों की बारिश से बचने के लिए वहां से भाग खड़े हुए ताकि किसी भी तरह वो अपनी जान बचा सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया, उसमें फिलिस्तीन के हसाम शबात नाम के वो पत्रकार भागते दिखाई दिए। उनके साथ गाजा में मौजूद दूसरे देशों के पत्रकार भी आसमान से गिरते बमों के बीच दौड़ते नजर आए। उस दौरान वहां बमों के फटने और गोलियों के चलने की आवाज आती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि जंग की रिपोर्टिंग के दौरान इसराइल की सेना ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई, इसी वजह से जान बचाने के लिए वहां मौजूद कई दूसरे पत्रकार भी भाग खड़े हुए। लेकिन परेशानी यह थी कि उनके सामने छिपने की कोई जगह नहीं दिखी, क्योंकि जंग की वजह से वहां सब कुछ तबाह नजर आया। सड़क के दोनों तरफ मलबे का ढेर दिखा, इसीलिए इसराइल की सेना से बचने के लिए वो सभी काफी दूर तक भागते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कवरेज के दौरान दुनिया भर में करीब 99 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की मौत हुई। इनमें अकेले 3/4 से ज्यादा यानी 75 पत्रकार इसराइल और हमास के युद्ध में मारे गए। दावा किया गया कि इनमें ज्यादातर पत्रकार इसराइल की सेना के हमलों में मारे गए। उधर गाजा में सीज फायर का समर्थन करने के बावजूद अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में इससे जुड़े प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। अमेरिका ने गाजा में फौरन सीज फायर लागू किए जाने के प्रस्ताव पर वीटो लगाकर सुरक्षा परिषद में इसे खारिज करवा दिया। अमेरिका ने तीसरी बार इस मुद्दे पर वीटो का इस्तेमाल किया, हालांकि एक दिन पहले उसने सुरक्षा परिषद में गाजा में इसराइल की कार्रवाई का विरोध किया था। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 6 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। इस दौरान सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी और पीएसयू बैंक को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 142 अंकों की गिरावट के साथ 22,055 के स्तर पर आ गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो गई। इन खेलों में देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग समेत कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने दावा किया कि उनकी कंपनी न्यूरा लिंक ने इंसान के दिमाग में चिप लगाकर काम करने का सफल टेस्ट किया। एलन मस्क ने दावा किया कि इसका प्रयोग एक आदमी पर किया गया जिसने सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर के माउस को ऑपरेट किया। इस बीच इसराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के ठिकाने पर भीषण हमला बोला। एक रोज पहले ही इसराइल की फौज ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी की थी, लेकिन इस बार तो हमला ऐसा था कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि जिस जगह पर वो छिपकर इसराइल पर हमले की योजना बना रहे थे उस पूरी की पूरी इमारत को ही धराशायी कर दिया गया। इसराइल की सेना के मुताबिक जैसे ही उसको ये खबर मिली कि दक्षिणी लेबनान के एक और ठिकाने पर बड़ी संख्या में हिजबुल्ला के लड़ाके जमा हैं, हमले की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके बाद इसराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और उनकी नजर हिजबुल्ला के उस ठिकाने पर जम गई, और जैसे ही इशारा मिला बमों से ऐसा धावा बोला गया कि वो इमारत पल भर में धूल के गुबार में बदल गई। इसराइल ने दावा किया कि उसके इस हमले में हिजबुल्ला के कई लड़ाकों की मौत हो गई। ये इसराइल का लगातार दूसरे दिन हिजबुल्ला पर बड़ा हमला था। एक रोज पहले ही उसकी सेना ने एक साथ हिजबुल्ला के कई ठिकानों को हमला कर धराशायी कर दिया था। आशाओं की फसल कभी बेकार नहीं होती, आशाओं की फसल कभी बेकार नहीं होती, अपने आंगन में कोई दीवार नहीं होती। तो बात की एक बात कही रंजना ने, लंका से हिमगिरिजा हनुमत औषधि लाते हैं, स्वामी भक्त को दर्शन की दरकार नहीं होती। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा सौ बात की बात। नमस्कार।